आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल करके छिलके निकाल लिए हैं और मैंने हरा धनिया लिया है, पुदीने की पत्तियां मैंने कट कर ली है, एक दो मैंने प्याज बारीक कट कर लिए हैं, 6-7 मैंने हरी मिर्ची ले ली है, कुछ लहसुन की कलियां हैं, राई जीरे को मैंने मिक्स कर लिया है, मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे, हल्दी धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे और मैंने होममेड गरम मसाला तैयार किया वो ले लेंगे और थोड़ा सा हींग ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो गाइस याद रखिए, हमें आलू को अच्छे से मैश करना है, अगर इसमें अगर पीसेस रहे तो हमारा आलू का पराठा भी पड़ सकता है। तो चलिए मैंने हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है, अब पैन में हम तेल डाल देते हैं। और अब मैं इसमें राई और जीरा ऐड कर रही हूँ। राई जीरा हमारा चटकने लग गया है, अब इस स्टेज पे मैं हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। गाइस आज का जो पराठा है बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है, आप एक बार ट्राई जरूर करें। तो चलिए हमारा ये भून चुका है, अब मैं इस पे बारीक कट किया हुआ प्याज डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला पानी ना छोड़े, इसमें प्याज को भी अच्छे से भुनाई करनी है। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसाले को भी। तो चलिए हमारा मसाला भी भून चुका है, अब इसमें मैश किए हुए आलू को ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक को मिला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। गाइस मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसमें पुदीने की पत्तियाँ जो मैंने कट करके रखी थी वो डाल देंगे। तो गाइस याद रखिए, हमें पुदीने की पत्तियों को सबसे लास्ट में डालना है, अगर आप पहले डाल दोगे तो तेल की भुनाई में ये इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, इसे हमें सबसे लास्ट में ही डालना है। अब मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस और थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इसका जो खट्टा मीठा मिंट का जो फ्लेवर है वो और भी स्वाद बढ़ा देगा आपके आलू के पराठे का। तो हमारा आलू का मसाला तैयार हो चुका है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। मैंने नॉर्मल गेहूँ का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच घी। तो गाइस ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हैं।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो गाइस याद रखिए, हमें पराठे के लिए जो डो तैयार करना है वो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो। तो देखिए गाइस, हमें देखिए किस टाइप का आटा चाहिए। तो चलिए, मैंने मीडियम साइज़ की लोई तैयार कर ली है। अब इसे आटे में लपेट लेते हैं और इसे रोटी के आकार में बेल लेते हैं। हमें ज़्यादा ना मोटी चाहिए ना पतली चाहिए। तो चलिए हम अब इसमें आलू का मसाला स्टफ कर लेते हैं। अब मैं इसे गुजिया के आकार में प्रेस कर रही हूँ और ये खट्टा आटा को एक जगह पे इकट्ठा करना है और इसे पोटली बना के इसे एक्स्ट्रा का आटा तोड़ लेना है। अगर ये एक्स्ट्रा का आटा रहेगा तो हमारा पराठा बिल्कुल ही टेस्ट नहीं लगने वाला है। तो अब इसे प्रेस कर लेते हैं और आटे में लपेट लेते हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से हल्के हल्के से प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा मसाला चारों तरफ फैल जाए। तो बेलन से हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेते हैं। तो गाइस, हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। पराठे को हम सेकने के लिए रख देते हैं इस पे। तो गाइस, ये जो हमारा खट्टा मीठा जो मिंट वाला फ्लेवर वाला जो पराठा है वो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें, आपके घर के लोग आपके फैन हो जाएंगे। तो चलिए, ये हमारा पराठा भी सीख चुका है। अब इसमें हम घी ऐड कर लेंगे और अच्छी सी सिकाई कर लेंगे इसे। वाह, क्या खुशबू आ रही है इसकी। तो चलिए, दूसरी तरफ भी हम इसे घी डाल के अच्छे से इसकी सिकाई कर लेते हैं। तो देखिएगा इस कितना अच्छा कलर आया और कितना क्रंची बना है। तो हमारा आलू का पराठा बनके रेडी हो चुका है। आई होप मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और वॉर्म द शेफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।